डायरेक्टर डॉक्टर टेड रोज ने कहा है कि जब ये हंगामी सूरत हाल बहुत बढ़ती जा रही है, अब ये किसी भी इंसान, किसी भी शख्स, किसी भी मुल्क के काबू में नहीं है। लेकिन डॉक्टर टेड रोज का कहना है कि हम इससे ज़्यादा और चिल्ला कर चीख कर नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके पास अभी भी वक्त है कि वो अपने मुल्क के हालात अपने तौर पर दुरुस्त कर सकते हैं। COVID-19 इसकी जो स्टैंड करता है वो है चाइनीज वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2019। COVID-19 एक वबाई मर्ज है जो कि रिसेंटली पाया गया था चीन के शहर वुहान में। एक दिसंबर में इसके 2019 में केसेस आना शुरू हो चुके थे और इससे पहले इस COVID-19 के बारे में दुनिया में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। COVID-19 की जो हिस्ट्री है वो कबल अज़ मसीह बताई जाती है, जिसमें 9वीं सदी है और 1990 में कुछ तहकीकात के मुताबिक पता चला कि COVID-19 की कुछ इकसाम जिसमें बीटा कोरोना वायरस 3300 BC, डेल्टा कोरोना वायरस 300,000 BC, गैमा कोरोना वायरस 2800 BC और अल्फा कोरोना वायरस 2400 BC मौजूद थे। अब कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। किसी भी शख्स को जब कोरोना वायरस के सिम्टम्स आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी अलामत हाई फीवर, जिसका टेम्परेचर 37.3 सेल्सियस डिग्री और 99 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसकी एक और अलामत टाइर्डनेस, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपके पास एनर्जी नहीं रहती। इसके बाद एक और इसकी अलामत, आपको खुश्क खांसी आना शुरू हो जाती है। ये तीनों अलामत COVID-19 की हैं। अब इसको सेपरेट किया गया है, ये लोगों में किस तरह फैलता है और ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है किस तरह टिक जाता है और उसकी वजह से ये लोगों में किस तरह फैलता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स में कोरोना वायरस इस तरह मुंतकिल होता है कि जो शख्स कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर है, जब वो छींकता है या खांसता है या लोगों से मिलता जुलता है, उनको टच करता है, तो ये उस शख्स से दूसरे शख्स में बहुत ही आसानी से मुंतकिल हो जाता है। याद रहे कि कोरोना वायरस के फैलने की शरह बहुत बहुत तेज़ है और उसके अलावा ये कुछ सरफेसिस पर भी टिक जाता है, जिसमें अगर एक कोरोना वायरस का मुतासरा शख्स जब छींकता है, उसके जो ज़र्रात छींक के या खांसी के ज़मीन पर या किसी भी जगह पर गिरते हैं और उसके बाद अगर कोई दूसरा शख्स उस चीज़ को टच करता है और टच करने के बाद अगर वो अपने फेस को, अपने नाक को, अपनी आँखों को टच करे और उस इन तीनों जगहों के ज़रिए जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके लंग्स तक जा सकते हैं, जो कि आपको COVID-19 से बहुत मुतासिर कर सकते हैं। असिम्प्टोमेटिक पीपल, बहुत से लोगों में जब कोरोना वायरस की हल्की हल्की अलामत पाई जाती हैं, स्पेशली तौर पर जब वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में होता है और उसके बाद जो है जो शख्स हल्की हल्की अलामत भी अगर रखता है तो उससे भी दूसरे जो अशखास हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको खुश्क खांसी या सांस में दुश्वारी हो सकती है। ये इन्फोग्राफिक्स देखते हैं, आपको आपके सर में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, आपका जिस्म बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर सकता है, आपको हाई फीवर हो सकता है जिसका टेम्परेचर 37.3 सेल्सियस डिग्री और 99.1 और समथिंग तक आपको फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, आपको खुश्क खांसी आ सकती है, आपके फेफड़ों तक ये जा सकता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है।
अगर आपको सिम्टम्स हों तो क्या करना चाहिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन, यू हैव सिम्टम्स और हैव बीन इन एन इफेक्टेड एरिया, आपको कोरोना वायरस इस वजह से हुआ है कि आप किसी इन्फेक्टेड जगह पर हैं। स्टेप टू, कॉल द डेजिग्नेटेड फ़ोन नंबर फॉर योर रीजन, आपका जो भी डेजिग्नेटेड फ़ोन नंबर है आप उनको इन्फॉर्म करें। स्टेप थ्री, यू विल बी गिवन अ होम टेस्ट ओवर द फ़ोन, फ़ोन पर ही आपसे मालूमात ली जाएंगी या आपसे कहा जाएगा कि आप फलां जगह पर आएँ या वो खुद ही आपके घर पर आकर आपसे टेस्ट लेंगे। स्टेप फोर, पेशेंटली वेट फॉर द रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट, और कुछ वक्त के बाद वो लेबॉरेटरी वाले आपको टेस्ट मुहैया करेंगे जिस पर आपकी रिपोर्ट आएगी। स्टेप फाइव, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और जो भी अथॉरिटीज़ कहती हैं उसको स्ट्रिक्टली आपने कबूल करना है। 80% जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, तहकीकात से पता चला है कि किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट के बगैर वो लोग रिकवर हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे स्टैट्स अबाउट कोरोना वायरस, इसके फैक्ट्स और फिगर्स मौजूदा डेट तक, जबकि ये मैं वीडियो आज 24 अप्रैल 2020 को बना रहा हूँ, अब तक देखते हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट बाय एज, सबसे ज़्यादा जो एजड लोग हैं 80 प्लस हैं वो सबसे ज़्यादा इस कोरोना वायरस की वजह से इफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसकी वजह से वो इन सिम्टम्स और इस वायरस से जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। सम न्यूमेरिकल डाटा, अब तक दुनिया में 2.71 मिलियन लोग कोरोना वायरस की वजह से शिकार हो चुके हैं और ये आज की डेट 24 अप्रैल 2020 के फ्रेश रिकॉर्ड्स हैं, और फ़िलहाल दुनिया में 3.4% डेथ रेट चल रहा है। ये वर्ल्ड मैप है, ब्लैक आपको शो कर रहा है ये मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, और ब्लू जो है यहाँ पर कन्फर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस पाए जाते हैं। 5 कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, दुनिया के 5 ममालिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए गए, चाइना में 80,000 प्लस, वहाँ पर डेथ रेट 3,162, इटली में 12,462 और 827 डेथ्स, ईरान 10,075 और 291 वहाँ पर डेथ्स हैं, साउथ कोरिया में 7,869 केसेस और 12 डेथ्स हैं, स्पेन 3,003 और 84 डेथ वहाँ पे हो चुकी हैं। पूरे यूरोप में 23 अप्रैल तक 12,28,291 कोरोना वायरस के केसेस थे, जबकि पूरी दुनिया में अप्रैल 23 तक 2.71 मिलियन प्लस केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। स्पेन में 190,000 केसेस, जो कि यूरोप के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस स्पेन में आए हैं, जिसके दादोशुमार आज की डेट तक 190,000 हैं। ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कि फाइनेंशियली ये जो ममालिक हमने लिस्ट किए हैं इनकी जो पैसेंजर रेवेन्यू की मार्केट थी वो किस तरह से किस किस रेशो से और किस किस परसेंटेज से इफ़ेक्ट हुई है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके इजीली देख सकते हैं। नंबर 3, प्रिवेंशन, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स से किस तरह बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं। याद रहे कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इस वायरस से बचने के लिए वो किसी काम के नहीं, वो किसी भी एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी तक दुनिया में इसकी कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं की गई। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीज़,
आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, और इसके फैलने से जो बीमारियां फैलती हैं उससे आप किस किस तरह अपने आप को और दूसरों को महफूज कर सकते हैं। याद रहे, आप अपने हाथ बार बार किसी भी सैनिटाइज़र, अगर वो आपके पास मौजूद नहीं तो वो साबुन और पानी से ज़रूर अपने हाथ बार बार धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, एक दूसरे से मेल मिलाप मेल जोल बिल्कुल कटा कर दें, और अपने घरों में रहें, और जब अगर किसी से मिलना हो तो कम से कम 1 मीटर का फासला ज़रूर आप इख्तियार करें, और जितना भी ज़रूरी हो आप अपने आँखों को, अपने नाक को और अपने मुंह को बार बार बिल्कुल भी टच मत करें। अपने मुंह को कवर करके रखें, और ख़ास तौर पर जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो अपनी एल्बो से या किसी भी टिश्यू पेपर से अपने मुंह को कवर करके रखें। और जितने भी आपको मेडिकल की अथॉरिटीज़ जो कुछ हदायत देती हैं आप उनको ज़रूर ज़रूर सुनें, उन पर गौर करें और उनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए ही आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। बहुत से लोग अब तक देखे गए हैं कि उनको मास्क जनरली तौर पर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो यहाँ पर कुछ मेजर्स बताए गए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि आप मास्क जो है वो अच्छी तरीके से पहन सकें और उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से कर सकें। मास्क पहनने से पहले आप अपने हाथों को किसी भी साबुन से या सैनिटाइज़र से ज़रूर ज़रूर धो लें, अपने हाथों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें, और उसके बाद अपने नाक को उस मास्क के साथ मुकम्मल तौर पर कवर करें, और आपका फेस, आपका नाक उस मास्क से 100% कवर होना चाहिए। और जब आपने मास्क पहना हो तो अपने मास्क को बार बार अपने हाथों से टच मत करें, और जब आप मास्क रिप्लेस करना चाहें या वो गीला हो जाए तो जितना जल्द हो सके उस मास्क को आप फेंक दें। डिस्पोजेबल मास्क को कभी भी आप दोबारा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। जब आप मास्क उतार दें तो उसका बेहतर तरीका ये है कि कभी भी मास्क आप आगे से पकड़ कर मत उतारिए, मास्क को हमेशा आप पीछे से उतारिए। जब आप मास्क उतार दें तो उसको किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में आप फेंक दें, और मास्क उतारने के बाद फिर दोबारा से आप जो हैं अपने हाथ किसी भी डिटर्जेंट, किसी भी सैनिटाइज़र या सोप से ज़रूर ज़रूर धोएं, ताकि आप अपने हाथों को किसी भी इन्फेक्टेड जर्म से बचा सकें। ये मैंने कोरोना वायरस के बारे में आपको जो करंट फैक्ट्स और फिगर्स थे वो सब बताए, उसकी प्रिवेंशंस भी बताएं, कहाँ से ये रिजिनेट हुआ, कैसे आया, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। और एक अच्छे नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस से खुद भी बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, अपने घर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो फिर घर से निकलिए, वरना घर से बिल्कुल मत निकलिए। और इसी के साथ अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों का खास ख्याल रखिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस एवरीवन।